हाय एवरीवन, वेलकम टू रिलेटेड लाइफस्टाइल। सिंधी कढ़ाई की फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी सिंधी कढ़ाई के लिए। सिंधी कढ़ाई के बारे में भी बताया है और ये भी बताया है कि हम आगे और क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप बाई स्टेप सिंधी कढ़ाई करना या फिर कच्छ की कढ़ाई करना। पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो चाची फिर शुरू करते हैं। ये सबसे इसकी बेसिक बॉक्स होता है दिस वन, जो हमने आप लोग को समझाने के लिए बहुत आसानी से सिंपल फॉर्म में थोड़ा सा बाहर निकाल के ड्रॉ किया हुआ है। वैसे जब छपाई होती है तो इस तरीके से, मतलब ओरिजिनली होता है, लेकिन स्टार्टिंग में हम ऐसे बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या करते हैं कि जो दो कॉर्नर्स हैं जी, इनमें से किसी, चाहे इस वाले से या इस वाले, किसी भी से स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस वाले में से स्टार्ट कर रहे हैं और नीचे से इस तरीके से थ्रेड निकाल रहे हैं। ये थ्रेड हमने निकाला इस कॉर्नर से जी, और एक कॉर्नर से इसको थ्रेड निकालते हैं और जहाँ तक ये लाइन जा रही है जी, उसके नीचे से इसको नीचे कर देते हैं। ओके ठीक है। ओके। अब हमने जो क्रॉस टाइप का बनाया है, इसीलिए बनाया है कि सबको आसानी रहे। अगला थ्रेड इसके पास वाले क्रॉस में से इस तरीके से निकाला जाता है। जी जी ठीक है। इस तरीके से बन गया। अब ये लाइन इसके पैरेलल ये जा रही है ना। हाँ ठीक है। तो थ्रेड को जहां पे ये लाइन एंड हो रही है यहां से नीचे डालेंगे जी। और इस वाले कॉर्नर से ऐसे निकाल लेंगे। एक मिनट, ये देखिए। अच्छा ठीक है जी, इस तरीके से ठीक। हाँ अब ये लाइन, ये वाली लाइन कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, इस कॉर्नर पे डाला जी। और इसके पास वाला जो कॉर्नर है ओके, इसमें यू करके निकाल लिया ठीक है। हाँ अब ये लाइन यहाँ पे एंड हो रही है, वैसे तो हम इसको इस तरीके से यू निकालते जी जी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ है जी जी, तो इसको हम को नीचे इसको निकाल देंगे, ऊपर नहीं लाएंगे, इसको फिनिश यहीं पे कर देते। अच्छा तो ये एंड हो गया यहाँ पे। ओके तो ये बन गई, ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया इसका। ओके अब इसकी फिलिंग करी जाती है तब पढ़ाई पूरी होती है। अच्छा ठीक है, ये ढांचा बना एक तरीके से इसका। अच्छा इस कढ़ाई की एक खासियत ये भी होती है कि जहाँ से इस कढ़ाई को शुरू किया जाता है तो सही कढ़ाई तभी मानी जाती है जब जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे ये एंड होती है। अच्छा ये इसकी पहचान होती है कि हम लोग कढ़ाई ठीक कर रहे हैं। मतलब जैसे कि स्टार्टिंग के लिए हमने धागा यहाँ से निकाला था जी, और इसको हम यूँ ले गए, यूँ ले गए, यूँ ले गए, और फिर ऐसे ला के हमने इसे नीचे निकाला तो ये इसी गांठ के पास ही निकला है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसका मतलब हमने ठीक एम्ब्रॉयडरी करी। ओके ठीक है, मतलब जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं उसके बगल में बस वहीं पर ही एंड होना चाहिए। ओके अब ये तो स्ट्रक्चर बन गया इसका, अब इसकी फिलिंग करने के लिए हमको इसी के पास ये जो कॉर्नर बना है कॉर्नर के मिड में से नीडल को निकालना पड़ेगा। ये देखा ये जैसे उसके बगल बगल से कॉर्नर कॉर्नर बन गया सब जगह जी, कॉर्नर के बीच में से। अच्छा बीच में इन द सेंस बगल में, बगल में से ये देखिए कॉर्नर का। अच्छा अच्छा अच्छा, दो कॉर्नर के बीच में से निकालना है। फाइन ठीक, एक बार मैं दिखा देती हूँ उन लोगों को। ठीक है तो दो कॉर्नर के मिडिल में से, हाँ किसी भी कॉर्नर के मिडिल में से जहाँ पे हमने नीचे एंड किया था वहीं से ऊपर निकाला है ये हमने। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। इसके बाद जिसके सामने का जो छोटा सा दिख रहा है, ये चीज दिख रही है जी, इसमें से नीडल को, कपड़ा नहीं आना चाहिए, कपड़े को छोड़ के सिर्फ थ्रेड में से जी जी, फिलिंग जो होती है वो हमेशा उसमें कपड़ा नहीं इन्वॉल्व होता है, जो हमने थ्रेड का ढांचा बनाया है उसी में से फिलिंग होती है। ओके ठीक है। अब इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी जिसको भी नए लोग सीख रहे हैं, मेरी तो खैर प्रैक्टिस है इसलिए बता दे रहे हैं। इसके बाद ये जो तुरंत ये बड़ा धागा दिख रहा है, हाँ इसके नीचे से नील को निकाल रहे हैं। ठीक है नीचे से निकाल रहे हैं। हाँ कपड़ा नहीं इसमें, देखो कपड़ा नहीं आ रहा है, देखो जी जी जी, सिर्फ थ्रेड में से। अच्छा ठीक है, ये अच्छा ठीक है। अब इसके बाद इसको फिलिंग के लिए तरीका ये है कि इसके बाद वाला कॉर्नर नियरेस्ट ये है जी, तो इसमें जो धागा, एक धागा देखो ये ऊपर से आ रहा है, ये दिखाना पे, ये देखो जी जी, और जो धागा नीचे दबा हुआ है ये देखो दबा हुआ है जी जी जी, दबे वाले में से नीडल निकालनी है हमेशा। ये ध्यान रखना है, चाहे स्टार्टिंग अभी हो या आगे कोई भी बड़ी डिजाइन बनानी हो, धागा हमेशा दबे वाले टांके में से निकालना पड़ता है। अच्छा और ध्यान रखिए कि कपड़ा नहीं आना चाहिए, कपड़ा उसमें नहीं है, ओनली थ्रेड जी। इस तरीके से जब निकालेंगे तो ये दो लाइंस बन जाएंगी। अच्छा अच्छा, पहले एक लाइन थी
अब ये दो लाइन बन गई है ना। हाँ ठीक है जी। अब अगला स्टेप इसके पास वाली फर्स्ट लाइन से, सेकंड वाली लाइन को छोड़ देंगे, फर्स्ट लाइन के नीचे वाले थ्रेड जो है जी उससे नीडल निकाल रहे हैं ये जी। ठीक, अब इसके पास नियरेस्ट कौन सा टांका आ रहा है, ये आ रहा है जी। और ये चूंकि ऊपर से वाला आ रहा है, ऊपर में तो हम डालेंगे नहीं जी, जो दबा वाला है उसमें से हम डालेंगे, इसमें से हम नीडल निकालते हैं। ओके दबा वाला इन द सेंस नीचे वाला, नीचे वाला धागा जो नीचे वाला धागा है उसमें से करते हैं। अब देखो एक सिंपल, जब स्टार्टिंग ली थी तो एक धागा था, अब ये फिर दो धागे हो गए ना जी। अब हमेशा स्टार्टिंग कोई भी जब फिलिंग करेंगे तो पहले वाले में से हम लोग डालेंगे, देखो पहले वाले में से डाला है जी जी जी। ठीक है, और ऐसे नीट कपड़ा नहीं इन्वॉल्व होना है, ये हमेशा ध्यान रखना जी, सिर्फ थ्रेड में से कढ़ाई होनी चाहिए जी। ये अब ये देखो कॉर्नर पे दो धागे हैं, वही दबा वाला नीचे वाला कह लीजिए, दबा वाला कह लो, उसमें से नीडल डाल रहे हैं। हर बार एक के दो होते जाएंगे, इधर भी एक था अब ये दो हो गए जी। ठीक ठीक, तब ये तीन तरफ से जो हमारा बॉक्स था डिब्बी थी ये फिल हो चुकी है, इधर दो दो टाके आ गए, इधर दो आ गए और इधर एक और ये दो। ठीक है जी। अब खाली चूंकि देखिए यहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी, यहीं पे हमको फिनिश करना है। हाँ, तो ये लास्ट टांका हमारा रह गया है फिर होने के लिए। तो लास्ट टांके के लिए अब ये है कि पहले हमको एक मिलता था और एक के दो हो जाते थे, लेकिन जब ये आखिरी टांका आता है तो हमको चार देखो दिखने लगते हैं, वन इधर देखो, वन टू थ्री एंड फोर, फोर स्ट्रैंड्स दिखते हैं हमको। वो चाहे हम स्टार्टिंग इस बॉक्स से करेंगे, चाहे हम कितनी भी बड़ी डिजाइन बनाएंगे, ये बेसिक चीज है कि हमको आखिरी टाइम पे चार थ्रेड्स दिखेंगे, वन टू थ्री एंड फोर जी। तो जब फोर दिखेंगे तो हमको जो नीडल निकालनी है हमेशा वो फर्स्ट और थर्ड में से निकालनी है। अच्छा, तो ये बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा, चाहे बड़ी से बड़ी डिजाइन बनाएंगे। ओके, फर्स्ट थर्ड कौन सा है, ये फर्स्ट थ्रेड दिख रहा है जी, पहली नीडल फर्स्ट थ्रेड में से निकाली, फिर ये सेकंड थ्रेड है इसको छोड़ दिया। अच्छा, और थर्ड थ्रेड ये दिख रहा है। हाँ, ये इसके नीचे से निकाली। अच्छा, ये तो सेकंड को छोड़ के थर्ड में, फर्स्ट एंड थर्ड, ये नोट करने की बात है, जनरली कोई लोग बताते नहीं है लेकिन हमको किसी ने बताया था तो हम भी बता के दे रहे हैं इस तरीके से। और ये डिब्बी पूरी फुल हो गई है देखो। अच्छा, तो ये डिजाइन हमारी कंप्लीट, ये एक बॉक्स वाली डिजाइन कंप्लीट हो गई है। इसको फिर हम जहाँ से स्टार्ट किया था नीचे डाल देंगे, ऐसे यहीं से हमने स्टार्ट करी थी। अच्छा, इसको ये नीचे डाल दिया, तो पूरा बन गया, पूरा ये बॉक्स बन गया। ओके, तो ये बिगनर्स के लिए था जो हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया था। तो अब चाची फाइनल वाला कौन सा बॉक्स है, वो तो हमने चूंकि क्रॉस ऐसे टांके लेना हमको आसानी पड़े इसलिए इसको इस तरीके से ड्रॉ किया था। जब हम लोग किसी को छापने के लिए देते हैं तो इस तरीके से बॉक्स मिलता है। अच्छा, तो ये फाइनल है, तो इसको फिर से हम इसमें भी करके बता दे रहे हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। चलो, अब ये फाइनल डिब्बी है, फाइनल बॉक्स जो है उसको हम स्टार्टिंग करके बता रहे हैं जी। चाहे इस कॉर्नर से करें चाहे इस कॉर्नर से करें, हमें चूंकि इसमें कन्वीनियंट लगता है इसलिए हम इधर से ही थ्रेड डाल के बता रहे हैं। ठीक, अच्छा, आप चाहें तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से हमको आसान पड़ता है इसलिए हम इसको यहाँ से करके बता रहे हैं जी। अब ये थ्रेड जिस कॉर्नर पर जा रहा है, जैसा कि हमने ऊपर वाले बॉक्स में बताया था, यहाँ पे सामने इसको यूं डाल के, अच्छा एक सेकेंड, ये जी इस तरीके से निकालना होता है, क्योंकि वहाँ पे बॉक्स में इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया था कि आसानी पड़े, यहाँ से डाला यहाँ से निकाला, इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसमें हमको वही अंदाज से इस तरीके से, तो एक अंदाज लगा के गेस करके हम थ्रेड को निकाल लेंगे, क्योंकि इतना तो समझ में आ ही चुका होगा आई थिंक ये। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद ये लाइन इस तरफ जा रही है ये, तो इसको हमको इधर ले जाना है जी। ठीक है, तो इसको भी यूं डाला कॉर्नर पे और यूं निकाल लिया ये। ठीक, अब ये वाली थ्रेड जहाँ पे जा इस तरफ जा रही है जी जी, ठीक है, इसको ऐसे डाल के या तो ऐसे तरीका यूं कर लें, अगर आपको बहुत टफ लग रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले नीचे डाल दिया ऐसे। अच्छा ठीक है, और फिर उसी के पास में ऊपर फिर से ऐसे निकाल लें। ओके, ये ज़्यादा इजी है, जैसा भी आसान पड़े इस तरीके से, ये भी क्रॉस बन जाता है यूं। अच्छा अच्छा, मतलब इन द सेंस क्रॉस हमें बनाना है, हर कोने पे क्रॉस बनना चाहिए जी। ठीक है, अब वही लास्ट जैसा कि हमने बताया था कढ़ाई जहाँ से स्टार्ट करी जाती है वहीं पे एंड होनी चाहिए जी, तो हम वहीं पे आ गए हैं देखो।
जी ठीक है जी, इस यहाँ पे भी क्रॉस बनाना जरूरी है हमको, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के इस तरीके से कर दे रहे हैं, ये क्रॉस बन गया। अच्छा ठीक, हाँ एक बॉक्स बन गया है। हाँ अब यहाँ पे इस थ्रेड को हम यहीं भी छोड़ दे रहे हैं, और इस पे एक हम दूसरे कलर से भी फिलिंग करके दिखाते हैं जो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो चाची ये लाइंस जो दिख रही है जो हमने पेन से ड्रॉ करी है इसके ऊपर नहीं आ रही डिज़ाइन, तो उससे क्या मतलब? वो कुछ वो एक खाली हम लोग की हेल्प के लिए, हम लोग जिससे हमको बेस मिल जाए इसलिए होता है, जब हम लोग उसको वॉश करेंगे तो लाइंस अपने हट जाती हैं और उसका कुछ ऐसा विशेष मैटर नहीं होता। अच्छा मतलब डिज़ाइन बननी चाहिए, बस डिज़ाइन हम लोग को एक आइडिया मिल जाए इसके लिए इसकी स्केचिंग होती है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि इस एम्ब्रॉयडरी की फिलिंग भी जहाँ से हम लोगों ने इसका बेस बनाया था वहीं से हम फिलिंग करते हैं, यहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी जी और यहीं से हम फिलिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं ये। अच्छा इस तरीके से ही है, तो दूसरा कलर भी हमने दूसरा कलर लगा दिया जिससे कि और क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए सबको। अच्छा 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 ठीक है। और हमेशा नीचे वाले और दबे वाले धागे से बताया था हमने, अच्छा नीडल को निकालनी है तो ये धागा तो ऊपर है और ये दबा धागा है, एक बार बता दीजिए। ये धागा दबा हुआ है नीचे से जा रहा है, इसमें से हमको नीडल निकालनी है और कपड़ा सुई में नहीं लगना चाहिए, कपड़े से अलग। अच्छा मतलब ओनली थ्रेड आना है, थ्रेड आना चाहिए। थ्रेड आने से क्या होता है नीचे बिल्कुल नीट। हाँ राइट ठीक है। अब इसके बाद अगली फिलिंग के लिए थ्रेड हमारा अगला कॉर्नर हमको यही मिल रहा है ना, इसमें ये ऊपर वाला धागा है और ये नीचे वाला, ध्यान से देखो ये धागा ऊपर से जा रहा है ये जी और ये दबा हुआ है नीचे वाला, या ये इसमें से नीडल निकालनी है हमको। अच्छा नीचे वाले, नीचे वाले में से ये। ठीक है ठीक है। तो ये चीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, कि हमेशा नीडल को नीचे या दबे वाले टांके में से निकालना है। अच्छा और कपड़ा नहीं आना कपड़ा चाहिए, नहीं तो आना आप चाहिए। ये चीज़ याद रखिए। हाँ अब पहले की तरीके से दो लाइंस हो गई ना, हमने बताया था इसके पहले भी जी, दो में हमेशा क्या करते हैं फर्स्ट लाइन में से नीडल निकालते हैं ना जी, फर्स्ट लाइन ये है जी, इसमें से नीडल निकाल देते हैं। ठीक जी। अब इसके बाद नियरेस्ट लाइन हमें, नियरेस्ट टाँका ये मिल रहा है ना जी, इसमें भी वही एक दबा वाला धागा है ये जी जी, और एक ये ऊपर वाला धागा है। ठीक, दबे वाले धागे में से नीडल निकालनी है इस तरीके से, समझ में आ रहा है जी, दबे वाले में से और इस तरीके से, बिल्कुल ठीक है। अब फिर ये देखो दो दो थ्रेड्स हो गए ना जी, तो हमें किस में से निकालना है हमेशा फर्स्ट वाले में से। हाँ ठीक है, इन दोनों में फर्स्ट वाला कौन सा है, और दो कलर इस्तेमाल करने से ये होता है कि हमको आइडिया मिल जाएगा कि हमको, जो लोग बहुत ही बिगनर्स हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है तो जिस कलर से हमने को बेस बनाया है उसी थ्रेड में से निकालना है, थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ क्योंकि मतलब वैसे दो एक ही रंग में तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, हाँ। और दो में से याद रहेगा कि इससे हमने बेस बनवाया है तो इससे हमको निकालना है। जी 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 ठीक है, इस तरीके से निकाल लिया जी। ठीक जी। अब ये इसके बाद नियरेस्ट टाँका इसका ये आ रहा है, हाँ इसमें भी ये नीचे वाला या दबा वाला देखो ये है, ये टाँका नीचे वाला है दबा हुआ है जी जी, इसी में से हमको नीडल निकालनी है जी। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला था और ये नीचे वाला था। ठीक, अब यहाँ से हमने चूँकि स्टार्ट किया था हम फिर वहीं पे आ रहे हैं, और जब हम वहाँ पे आने लगते हैं तो हमको चार स्टैंड दिखने लगते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 रहा 1, 2, 3 एंड 4। और जैसा कि हमने पहले बताया था हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड के नीचे से नीडल निकालनी है हमको। हाँ तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट ये है, फिर ग्रीन छोड़ देंगे ये वाला और ये थर्ड है। अच्छा ये, तो जो सेकंड कलर है हमारा ग्रीन में, यानी कि सेकंड थ्रेड को छोड़ देना है, फर्स्ट के नीचे से नीडल निकालनी है, सेकंड छोड़ के थर्ड के नीचे से निकालनी है। जी 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 ठीक है, ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आगे हमेशा काम आएगी और ख़ास करके बिगनर्स के लिए। और ये डिब्बी हमारी पूरी फुल हो गई है। ओके फाइन, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था यहीं से हम इसको नीचे करके जी ये बन गई, ये बन गई, दो कलर की बन गई है, ये सिंगल कलर की है। अच्छा तो ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इस पे बीच में जो ये स्पेस आ रहा है ये वाला स्पेस,
उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी? नहीं, इसको फिल, ये इतना ही टाँका होता है और ये जगह इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने बिगिनर्स के हिसाब से ये बॉक्स थोड़ा बड़ा बनाया है। अच्छा, जब आप इसको छपाने वाले से छपवाते हैं, बाजार से आपको पैटर्न मिलता है तो ये बॉक्स बहुत छोटे छोटे बन के मिलते हैं। अच्छा अच्छा, बता दे ड्रॉ करके। जब ये छप के मिलेंगे बाजार से, मार्केट से आपको, तो ये इतने छोटे छोटे बॉक्स मिलेंगे। ओके ओके ओके। जब आप इसको फिल करेंगे तो आपको ये जो स्पेस दिख रही है ये अच्छा, कतई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अच्छा, जैसे अच्छा। कि आप हम पहले हमारे इन क्वेश्चंस में देख चुके हैं, ये चूंकि ये बाजार के छपे हुए हैं। जी जी जी। इसमें कहीं स्पेस दिख रही है? अच्छा, नहीं, अच्छा, नहीं दिख रही है। जी जी जी। इट वॉज जस्ट फॉर बिगिनर्स। अच्छा अच्छा, समझने के लिए ताकि उनको समझ में आ जाए, इसलिए हमने बड़े बॉक्स बनाए। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इन द सेंस अगर उसके बाद भी किसी के डाउट रहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे तो वो आप फिर से रिपीट कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को। दो या तीन बातें बस, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जहाँ से आपने एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करी है, चाहे आप इस बड़ी बॉक्स में करिए, चाहे आप इस छोटे बॉक्स में करिए, जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एंड वहीं पर हमको करना होगा, फर्स्ट पॉइंट। जी ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब इसके हम फिलिंग करेंगे तो कपड़ा कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, ओनली थ्रेड्स में से हम फिलिंग करेंगे। पीछे भी देख सकते हैं, कोई थ्रेड नहीं आया हुआ है। और तीसरा मेन पॉइंट इसका यह है कि जो हमने एक टिप बताई थी कि जब फिलिंग करेंगे तो दो लाइंस में से हमेशा फर्स्ट वाली लाइन में से हमको नीडल निकालनी है, और जब चार लाइनें दिखने लग जाएंगी हमको, जैसे 1 2 3 4, तो हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड। ये टिप अगर अभी से आप लोग स्टार्टिंग में समझ लेंगे इसको, तो आगे बड़ी से बड़ी डिज़ाइन बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, तो पहले से शुरुआत करके सेकंड को छोड़ना है और थर्ड से निकालना है। थर्ड से नीडल निकालना है। इसीलिए हमने यहाँ दो कलर का यूज़ किया है। हाँ, देखने में सुंदर भी लगता है और समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या सीख सकते हैं चाची? नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो बॉक्स होता है, ये सिंगल बॉक्स है और ये सिंगल सिंगल जोड़ के चार मिला के एक बड़ा बॉक्स बनता है। अच्छा, इसको हम लोग भरना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। अच्छा, और सिंगल इस बॉक्स से एक ये बेल भी बनती है। जी जी, जी। इसके भी हम टाँके बताएंगे, इसका भी प्रोसीजर बताएंगे। और ये बेल जो हमने आप कुशन में बनाई है वो इस तरीके से दिखती है ये। अच्छा अच्छा। और जो बड़ा बॉक्स है वो इस तरीके से नजर आता है। अच्छा, ये दोनों अच्छा। चीजें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अच्छा अच्छा, तो चाची ने हमें इतना सारा टाइम दिया है तो उसके लिए थैंक यू बोलना तो बनता ही है। तो थैंक यू चाची। वेलकम टीचर। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है चाची से, मैंने तो बहुत ही कुछ सीखा है बचपन से, इनसे मैं पढ़ने भी आती थी। ये मतलब हर चीज़ में बहुत अच्छी हैं, पढ़ाने में, मतलब कुछ भी चीज़ इनसे सीख लो, कुकिंग में, सब में। तो मैं कुछ इनकी डिशेस भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये तो मेरे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको ज़रूर सारी वीडियोज़ बहुत ही अच्छी लगेंगी। और इसके बाद बहुत कुछ सीखने को है, बहुत सारी डिज़ाइंस हैं तो वो भी हम सीखेंगे। तो इतना टाइम दिया आप लोगों ने, उसके लिए भी थैंक यू आप लोगों को भी। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम।